आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया कि शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में कब शामिल होंगे। 20 मार्च को बंगाल में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शिशिर अधिकारी बीजेपी का दामन थामेंगे। इस बात की घोषणा खुद शिशिर अधिकारी ने की। उन्होंने कहा, यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वह 20 मार्च को कांठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होंगे। शिशिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा पार्टी में शामिल हुए। शुभेंदु नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस सांसद इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी ने कहा, अगर मुझे न्योता दिया गया और मेरे बेटों ने इसकी अनुमति दी तो मैं पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होऊंगा। उनके दो बेटे शुभेंदु और सौम्येंदु बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके एक और बेटे दिव्येंदु टीएमसी से सांसद हैं। इसके पहले बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी शिशिर अधिकारी के आवास पर गई थी और उन्होंने साथ में दोपहर का भोजन भी किया। हालांकि दोनों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस दौरान शिशिर अधिकारी के राजनीतिक कदम पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी सांसद चटर्जी ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। शिशिर दा एक वरिष्ठ नेता हैं और अधिकारी परिवार मेदिनीपुर का पर्याय है। उन्होंने लोकसभा में दिए मेरे बयान की एक बार तारीफ की थी। उन्होंने मुझसे फिर आने का आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि वे बीजेपी में शामिल होने का निर्णय करेंगे तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि शिशिर दा हाल के समय में काफी हद तक निष्क्रिय रहे हैं। हम उनसे अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए दल बदल के खेल में शामिल नहीं होने का अनुरोध करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि पूर्वी मेदिनीपुर चाहता है अधिकारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य बीजेपी में शामिल हों। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के करीब एक महीने बाद उनके पिता और लोकसभा सदस्य शिशिर अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के पूर्वी मिदनापुर जिले के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। तृणमूल के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी परिवार के विरोधी माने जाने वाले सोमेन महापात्रा को अधिकारी की जगह पूर्व मिदनापुर जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे एक दिन पहले अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अधिकारी के स्थान पर विधायक अखिल गिरी को डीएसडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो तृणमूल कांग्रेस में उनका विरोधी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।